हेलो एवरीवन वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस इस वीडियो में हम मौर्य वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे और यहाँ पे तीन प्रमुख शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और अशोक तो अशोक के बारे में हम लास्ट में देखेंगे दूसरे वीडियो में देखेंगे अशोक के बारे में यहाँ पे बस दो राजा डिस्कस किए जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार क्योंकि अशोक का चैप्टर बड़ा है उसे अलग से देखेंगे उसके अभिलेख भी हमें कवर करने हैं इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मौर्य वंश की जानकारी के जितने भी स्रोत हैं चाहे वो विदेशी लेखक हों चाहे अपने देश के लेखक हों जो लिखा जा चुका है वो सभी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं अर्थशास्त्र के बारे में इंडिका के बारे में तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा अब अशोक के अभिलेख जिससे सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है वो हम अशोक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य देखिए मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिल के नंद वंश को हराया था घनानंद को हराया था उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी अब चंद्रगुप्त मौर्य के, के जन्म और जाति के बारे में विद्वानों में मतभेद है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं तो किसने किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सूद्र कहा है तो सूद्र बोला है ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें सूद्र कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में इन्हें सूद्र कहा गया है पूछा जाता है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा और मुद्रा राक्षस पर एक टीका लिखी गई है ये टीका किस किसने लिखी है तो ये टीका ढूंडीराज ने लिखी है मुद्रा राक्षस पर लिखी गई टीका के लेखक कौन है ढूंडीराज और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त विष्णु पुराण पर टीका जो लिखी गई है वो श्रीधर स्वामी ने लिखी है और इसने इन्होंने भी श्रीधर स्वामी ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को सूद्र बोला है इसके अलावा एक यूनानी लेखक हैं जस्टिन इन्होंने भी चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया है निम्न कुल का मतलब शूद्र ही कहा इन्होंने भी और मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल बोला गया है वृषल तो ये वृषल का अर्थ ये लगाया गया है कि शूद्र है मतलब शूद्र लिखा है मुद्रा राक्षस में भी तो ये सभी चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बोलती हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ मुद्रा राक्षस उस पर टीका विष्णु पुराण पर लिखी गई टीका और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा है अब क्षत्रिय किसने किसने कहा है तो जैन और बौद्ध जो ग्रंथ हैं जितने भी जैन बौद्ध ग्रंथ हैं उन्होंने उसमें लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे पारसी किसने बोला है तो एक यूनानी लेखक स्पूनर ने चंद्रगुप्त मौर्य को पारसी बोला है आगे चलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की जो राज्य रोहण की तिथि है इसको भी डिसाइड करके लिखा गया है कि कौन सी तिथि सबसे ज़्यादा मान्य होगी तो ये जो सबसे ज़्यादा मान्य वाली तिथि है यही लिखी रहती है हर जगह राज्यारोहण तीन सौ बाईस ईसापुर में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य तीन सौ बाईस ये कैसे डिसाइड की गई तो देखा गया कि तीन सौ तेईस में बेबी लोन की संधि हुई थी जब सिकंदर की मृत्यु हुई तब एक संधि हुई थी बेबी लोन की संधि जिसमें भारत को भी शामिल किया गया था यूनानी जो राज्य थे उसमें भारत भी शामिल था तो उस संधि का हिस्सा था भारत फिर दूसरी एक संधि हुई तीन सौ इक्कीस में पहली वाली तीन सौ तेईस में हुई थी फिर दो साल बाद हुई ये तीन सौ इक्कीस ईसा पूर्व ये ईसा पूर्व चल रहा है इसलिए उल्टा चल रहा है इसमें ट्रिप रैंडिस की संधि हुई जिसमें भारत बाहर था उस संधि के ये जो संधि हुई थी ट्रिप रैंडिस की संधि इसमें यूनानी क्षेत्र में भारत को नहीं लिया गया मतलब उस टाइम पर कोई एक अच्छा शासक आ गया होगा जिसने भारत के पूरे क्षेत्र को ऑकुपाई किया होगा तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य तो इसलिए बीच का इसका जो डेट है तीन सौ बाईस ईस्सा पूर्व इसे राजा रोहण की डेट मानी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की एक चीनी अभिलेख है जिसका नाम है डॉटेड रिकॉर्ड इसके अनुसार भी तीन ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की राजारोहण की तिथि मानी जाती है आगे चलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ नाम मिलते हैं हर जगह अलग अलग नाम मिलते हैं तो कुछ यूनानी लेखक थे जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को कोर्ट, एंड्रो कोर्ट सेंड्रो एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्टस बोला किसने किसने क्या बोला था एग्जाम में कभी कभी मैचिंग में आ जाता है तो सेंड्रोकोट्स किसने बोला था स्ट्रैबो एरियन जस्टिन सेंड्रोकोट्स किसने बोला था स्ट्रैबो एरियन जस्टिन एंड्रोकोट्स किसने बोला एपियानस और प्लूटार्क एपियानस और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स बोला सेंड्रोकोप्टस किसने बोला निर नियार्कस Nir ने नियार्कस ने सेंड्रोकोप्टस बोला ये सेंड्रोकोट्स दूसरा है कोपटस दूसरा है आगे चलेंगे ये तीनों नाम किसने कहा था कि ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के नाम हैं तो जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी सर विलियम जोन्स ने उन्होंने ये कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ही के ही नाम है ये तीनों जो यूनानी ग्रंथों में लिखे हुए हैं आगे चलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में अनेक अनेक किमदियाँ या फिर कहानियाँ फेमस हैं सबने सुना होगा कि चाणक्य को जब अपमानित किया था घनानंद ने तो चाणक्य ने एक प्रण लिया था कि वो नंद वंश को पूरी तरह से पराजित करेंगे तो वो जा रहे थे कहीं रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे उसे राजकीलम एक खेल खेल रहे थे जिसमें एक लड़का था जो राजा बन रहा था तो उसके गुण को देख के उसके स्वभाव को देख कर किस तरह वो राजा की भूमिका निभाता है चाणक्य ने उसके माता पिता से उसे दस एक हज़ार दस हज़ार नहीं एक हज़ार कापाषण उस टाइम पे चलता था काशार्पण या फिर कापाषण जो एक मुद्रा चलती थी उस टाइम पे उसी से उसी को देख के एक हज़ार मुद्रा को देके चंद्रगुप्त मौर्य को उनसे ले लिया चंद्रगुप्त को ले लिया उसके बाद अपने साथ तक्षशिला ले गए छः सात साल तक वहाँ पे शिक्षा दीक्षा हुई इनकी राजनीति के बारे में धनुर्विद्या के बारे में हर चीज़ सिखाया गया इन्हें और उसके बाद दोनों लोगों ने मिलकर नंदवंश को पराजित किया और इस तरह से इनका ये प्रारंभिक जीवन था तो इसके बारे में अनेक कथाएँ अलग अलग ग्रंथों में लिखी गई हैं सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है यही कथा मानी जाती है आगे चलेंगे चंद्रगुप्त तो मौर्य की उपलब्धियों के बारे में देखिए अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहली जो उपलब्धि थी उत्तर पश्चिम सीमा विजय की उपलब्धि थी तो सबसे पहले इस विजय के भी पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने सीधे मगध पर आक्रमण किया कर दिया था जहाँ पे नंदवंश का शासन था मगध पर वहाँ जो जो इसका मेन मकसद था चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक का वहाँ पे सीधे आक्रमण कर दिया लेकिन वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पराजित हो गए तो ये कहीं जा रहे थे तो एक औरत ही ये लिखा हुआ है कहानियाँ कई जगह प्रचलित हैं तो ये जो जैन ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है उसमें लिखी गई हैं ये कहानियाँ की जा रहे थे तो एक औरत थी जो अपने बच्चे को रोटी खिला रही थी तो बच्चे ने रोटी बीच में छूली और उसका हाथ जल गया तो वो उसको उदाहरण देने लगी कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य की तरह काम कर रहे हो सीधे बीच में घुस रहे हो मगध पर आक्रमण कर रहे हो तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य को भी उत्तर पश्चिम साइड में पहले आक्रमण करना चाहिए था और तुम्हें भी रोटी किनारे से खानी चाहिए तो ये सब सुन के चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले उत्तर पश्चिम सीमा पर विजय प्राप्त की और यहाँ पर जो विजय वाला एरिया था कौन सा था पंजाब और सिंध वाला एरिया उत्तर पश्चिम में था यही तो यहाँ पर इन्होंने विजय प्राप्त की सबसे पहले आगे चलेंगे उसके बाद फिर मगध पर इन्होंने आक्रमण किया परिशिष्ट वर्मन जो कि एक जैन ग्रंथ है और मुद्रा राक्षस में उल्लेख है कि मगध विजय के लिए चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा की सहायता ली थी जिसका नाम था परवर्तक प्रवर्तक नाम के राजा की सहायता ली थी मगध पर विजय के लिए इसके अलावा नंदों के नंदों का एक सेनापति था जो नंद वंश था उनका एक सेनापति बहुत था बहुत फेमस भद्र उसको हराया था उसके बाद मगध पर अधिकार कर लिया घनानंद से पहले ही जनता रुष्ट थी क्योंकि वो कर बहुत ज़्यादा लगाता था बहुत ज़्यादा टैक्सेस थे उसके इसलिए जनता पहले ही परेशान थी तो इसमें विजय में आसानी हुई चंद्रगुप्त मौर्य को आगे चलेंगे जो तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट युद्ध है चंद्रगुप्त मौर्य का वो है सेलिकस से युद्ध तो सेलिकस से युद्ध हुआ था 305 से 304 सौ चार ईसापुर देखिए उल्टा चलेगा ये 305 से 304 सौ चार ईसापुर के बीच युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेलिकस पराजित हुआ तो जीत किसकी हुई चंद्रगुप्त मौर्य की और इसमें एक संधि हुई थी ये संधि कब हुई थी तीन ईसा पूर्व में सेलिकस और चंद्रगुप्त बीच के मौर्य के बीच में एक संधि हुई तीन ईसा पूर्व में और इस संधि की जो शर्तें हैं एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं इस संधि में क्या हुआ था सेलिकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से इसका उल्लेख हुआ है एपियानस के एक ग्रंथ में एपियानस ने इसका उल्लेख किया है विवाह का सेलिकस और चंद्रगुप्त मौर्य के वैवाहिक संबंध के बारे में जिसमें हेलेना उनकी पुत्री का नाम था सेलिकस की आगे चलेंगे इस दहेज में क्या दिया था सेलिकस ने तो चार प्रांत दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को सेलिकस ने कौन कौन से प्रांत थे इनका आधुनिक नाम और उस टाइम का नाम जो है मैचिंग में अक्सर पूछा जाता है तो एरिया जो अब हेरात कहा जाता है अराकोसिया दिया था जो अब कंधार कहा जाता है जेड्रोसिया दिया था जो अब मकरान कहा जाता है पेरी पे, पेनिस्टाई दिया था जो कि अब काबुल कहा जाता है तो हेरात कंधार मकरान तट और काबुल दिया था सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को तो ये याद रखिएगा स्क्रीन ले सकते हैं आगे चलेंगे प्रांतों के साथ ही साथ सेल्यूकस ने एक राजदूत भी भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जिसका नाम था मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखी हुई है पुस्तक जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंडिया इंडिका के बारे में सभी चीज़ें क्या क्या उसमें लिखा हुआ है फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सब चीज़ सेल्यूकस ने ही नहीं दी थी 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को दिए थे क्योंकि इंडिया में हाथी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे आ, मतलब यहाँ वाले एरिया में जंगल ज़्यादा थे तो हाथियों का ज़रूरत सबको पड़ती थी उस टाइम पर युद्ध युद्ध के टाइम पर तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पाँच हाथी उपहार में दिए ये किसने लिखा है प्लूटार्क ने आगे चलेंगे इसके बाद सेल्यूकस से जीतने के बाद लिखा है प्लूटार्क ने कि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने छः लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौन डाला पूरे भारत को इन्होंने विजय किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके राज्य का विस्तार देख लीजिए ऐसा पूरे भारत में राज्य किया इसने किसने लिखा है प्लूटार्क ने इनका एरिया जो था चंद्रगुप्त मौर्य का हिंदूकुश पर्वत इधर पश्चिम में हिंदूकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में देखिए तो एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है राजावली कथा इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंप दिया जिसका नाम था बिंदुसार या फिर सिंह सेन इसी का नाम था इसको सौंप कर वो चंद्रगिरी पर्वत पर चले गए जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ पे श्रवण बेलगोला एक स्थान है वहाँ पर इन्होंने संलेखना पद्धति के द्वारा शरीर त्याग कर दिया तो सलेखना पद्धति क्या है ये जैन धर्म में शरीर त्याग करने की एक पद्धति है और इससे कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है लास्ट में खाना वाना त्याग करके वो लोग एक तरह की शरीर त्यागने में मदद करती है ये पद्धति लेकिन हर काफ़ी जगह पे ये बैन है तो संलेखना पद्धति से इन्होंने शरीर त्याग किया चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में आगे चलेंगे अब बिंदुसार के बारे में देखिए तो दो ईसा पूर्व से लेकर दो ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासन था ये ईयर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर अन्य नाम क्या है बिंदुसार के तो अमित्र घात या फिर अमित्र चेट्स ये यूनानियों ने अमित्र चेट्स कहा है बिंदुसार को और इन्हीं का नाम था सिंगसेन माता का नाम क्या था दुर्धरा माता का नाम बिंदुसार की दुर्धरा पिता का नाम पिता का नाम जो भी हमने पहले देखा चंद्रगुप्त मौर्य फिर इनके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसे देखते हैं तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे एक विद्रोह पहला वाला हुआ उसमें इन्होंने बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था क्या नाम था सुसीम उसके बाद जो दूसरा विद्रोह हुआ उसमें अशोक को भेजा गया था जो अशोक महान बाद में हुआ तो अशोक को भेजा था उस टाइम पे अशोक मालवा और उज्जैन का प्रशासक था तो राजा पनने से पहले कहाँ का प्रशासक था अशोक ये भी पूछा जाता है तो मालवा और उज्जैन का प्रशासक था अशोक तो इसे भेजा गया तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए जहाँ पे इसकी जीत हुई आगे चलेंगे एथिनियस एक लेखक हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने लिखा है लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने लिखा है कि बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच पत्र व्यवहार का आ, का वर्णन इन्होंने किया है एथिनियस ने कि बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच पत्र व्यवहार होता था इस पत्र व्यवहार में तीन चीज़ें मांगी थी बिंदुसार ने एंटीकस से ये याद रखिएगा रखेगा एंटीकेस कहाँ के शासक है सीरिया के तो तीन चीज़ें क्या थी जो मांगी थी बिंदुसार ने सूखी अंजीर अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक तो सूखी अंजीर अंगूरी मदिरा ये तो दे दिया था सीरिया के शासक एंटीकस ने लेकिन दार्शनिक नहीं दिया था ये कह के कि हमारे यहाँ दार्शनिकों को नहीं बेचा बेचा जाता या फिर ज्योतिषियों को नहीं बेचा जाता तो सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा इन्हें मिल गई थी बिंदुसार को एंटियोकस प्रथम ने एक राजदूत भी भेजा था जिसका नाम था डायमेकस तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नाम के राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायमेकस जो मेगस्थनीज था उसी का उत्तराधिकारी था पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज सेल्यूकस के टाइम पर और एंटियोकस प्रथम के टाइम पर कौन आया डायमेकस आया इंडस प्रथम के टाइम पे डायमेकस आया बिंदुसार के दरबार में उसके बाद एक और राजदूत आया था जो मिस्र से आया था मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नाम के एक राजदूत को भेजा था इसका क्या नाम था डायनोसिस एक आया था डायमेकस जो कि सीरिया से आया था एक आया था डायनोसिस जो कि मिस्र से आया था तो ये भी बिंदुसार के दरबार में आया था दो राजदूत आए थे आगे चलेंगे बिंदुसार के काल में प्रधानमंत्री कौन था तो इसके काल में भी प्रधानमंत्री चाड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी चाणक्य प्रधानमंत्री था जीतने के बाद उसके बाद बिंदुसार के टाइम पे भी चाणक्य था और एक ज्योतिषी था जिसका नाम पूछा जा सकता है आजीवक संप्रदाय से संबंधित ज्योतिषी था पिंगल वत्स पिंगल वत्स किसके दरबार में रहते थे पूछा जा सकता है बिंदुसार के दरबार में तो ये सभी चीज़ें बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंपॉर्टेंट थी आगे वाले चैप्टर में हम अशोक अलग से पढ़ेंगे क्योंकि अशोक के बारे में बहुत सारे अभिलेख भी हैं इसलिए वो लंबा चैप्टर हो जाएगा उसे बाद में देखेंगे तो वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा एक सेकंड चैनल है मेरी भाई और बहन का उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा रिचा पांडे ब्लॉग्स के नाम पे थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस